बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फूडी वर्ल्ड विद ज़ैबी। तो ज़ैबी आज आपके लिए एक नई और चटपटी डिश के साथ हाजिर है और वो है फूड स्ट्रीट। हम लोगों ने अक्सर ये मार्केट से लेकर भी खाए हैं और मार्केट में भी खाए हैं। तो ये है लड्डू पीठी। तो आज आपको हम ये घर में बनाना बताएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो रेसिपी को शेयर करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर न्यू और यूनिक रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये है। 2 कप मैंने इसमें दाल के लिए थे, चनों की दाल के। आप इसको अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 2 ग्लास ले सकते हैं। कम बनाना चाहते हैं तो चाय वाले जो 2 कप हैं जिसमें हम चाय पीते हैं रेगुलरली, उसमें 2 कप जो है वो आप इसमें इसको भिगो के रख दें। और इसी उसी कप में आप माश की जो दाल है वो 1 कप जो है माश की दाल उसको भी भिगो के ओवरनाइट रख लें। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखना तो कम से कम इसको 7 से 8 घंटे जो है वो अलग-अलग जो है वो डिप करके आप रख लें। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे चिली फ्लेक्स का 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है, और 1 टीस्पून जो है वो अजवाइन है, 1 टेबल स्पून इसमें नमक का है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें इमली जो है उसका जो चटनी बनानी है उसकी वो यूज़ की है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इमली भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें डाल के इसको भिगो लिया था। उसके बाद 1 मूली जो है वो ग्रेट कर लें, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 1/2 प्याली जो है मैंने इसमें चीनी का यूज़ करूँगी मीठी चटनी के लिए, और आलू बुखारे और जो खुबानी होती है वो मैंने इसको भिगो के रख लिया है। वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा, जितनी आपको चटनी की है ज़रूरत उतनी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून दिया है, और उसके बाद जो है 1/2 टीस्पून जो है वो इसमें बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून और 2 हरी मिर्चें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें मीठी चटनी बनाएंगे जिसमें मैंने खुबानी और आलू बुखारा जो है वो आलू बुखारे के जो वो सीड्स हैं वो आप निकाल लें, और हम इसमें इसको डाल देंगे। और इसमें 1/2 कप जो है वो पानी का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप है वो चीनी का डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें, और थोड़े से चिली फ्लेक्स जो हैं वो इसमें हम डाल के बिल्कुल थोड़े से, तो हम इसको आग पे रख देंगे। इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर तक, ये पकेगी और इसकी जो चीनी मैंने इसमें डाली है शुगर वो मेल्ट हो जाएगी। फिर हम इसको हरी मिर्चें डालकर तो ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने ग्राइंडर जग लिया और उसके अंदर हम इसको जो दाल की 2 कप वो हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पानी इसमें जाता है तो उसको जाने दें, तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी माश की दाल डाल के इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1/2 कप से भी कम इसमें हम पानी डालेंगे, और उसको अब हम ग्राइंड करेंगे। ये चटनी हमारी तैयार है। अभी हम इसको बाद में ग्राइंड करेंगे, अब इसको ठंडा होने देंगे। मीठी चटनी का मैंने आपको बता दिया है, अब हम इसमें जो है वो खट्टी चटनी बनाएंगे। इसमें मैंने जो इमली की गुटलियाँ थी वो निकाल ली हैं, और जो थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट है वो डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पकने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम जो है कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इन दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इसकी इस तरह बिल्कुल पेस्टी सी लुक आनी चाहिए, बिल्कुल कि आपके जो है वो स्पून में इस तरह आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर जो था वो डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून जो है, सॉरी टी स्पून। उसके
बाद अजवाइन जो है वो हमने हाफ टी स्पून डाल दी है इसमें। अजवाइन को अच्छी तरह साफ कर लें और इसमें हम जीरा जो है वो डाल देंगे और इसमें जो नमक है वो डाल देंगे। 1 जो टी स्पून है वो हम इसमें नमक का जो है वो डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत इजी है ये। इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बिल्कुल इसकी पेस्टी सी जो लुक है वो बनाएंगे। अब हम इसमें ऑयल जो है वो डाल के इसको गर्म कर लेंगे क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो ऑयल थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे। बिस्मिल्लाह रखना है, तो अब गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें जो है लड्डू डालेंगे। चटनी जो है वो उसका अच्छे बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें जो है कॉर्नफ्लोर है वो डालेंगे और उसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे और इसको हम यूँ पका लेंगे थोड़ा सा और हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार है। एक जो प्याली है उसके अंदर हमने पानी ले लिया है और ये जो स्पून है जिसके साथ हम सालन में डालने के लिए यूज़ करते हैं आप वो ले लें, बड़ा वाला। तो अब हम इसे जो है वो लड्डू निकाल निकाल के डालते जाएंगे। स्पून को हम डालेंगे और इस तरह हम ये इसका लड्डू बनाएंगे स्पून के अंदर और हम इसको बिस्मिल्लाह इसमें डालते जाएंगे। जो पानी मैंने दिया था उसमें हम इसको डिप करेंगे चम्मच को और फिर हम दोबारा से इसका जो इस तरह चम्मच में जो है वो लड्डू बनाकर डालते जाएंगे। फिर हम इसको पानी में जो मैंने आपको अलहदा बॉल में बताया था उसमें आप अपना स्पून डिप करें, उसको यूँ खाली करें और फिर इसका एक लड्डू बनाकर आप इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके डालते हैं। फिर इसी तरह आप अपने जो है लड्डू जो है वो आपने चम्मच के साथ ही बनाने हैं। लड्डू जो है उन्होंने डन कर लिए हैं। अब हम इसको जैसे है मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएंगे, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको नहीं बनाएंगे। इसको अब हम दूसरी साइड से डन करते जाएंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये लड्डू बन रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो कलर है देखिए कितना प्यारा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जब आपने इसको करना है सेकंड, जब आपने इसमें लड्डू डालना है तो आपने जो मैंने आपको पानी का एक बाउल बताया था जिसमें, तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से इस पानी में डालना है हर लड्डू से पहले और उसमें फिर दोबारा पेस्ट को डाल के डालना है। जब पेस्ट आप उसमें डालेंगी तो दोबारा इसमें जो आप स्पून को यूँ डिप करेंगे पानी। लड्डू जो है हमारे तैयार हैं, अब हम इसको निकालूंगी और फिर आपको तो डिश आउट करके दिखाऊंगी।